क्वेश्चन नंबर वन, लेजर एक्शन इज फाउंड इन डैश टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इस एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि जो लेजर एक्शन जो है ये किस टाइप के सेमीकंडक्टर में एक्ट करता है, फाउंड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। मतलब वो सेमीकंडक्टर जिसका बैंड गैप, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें लेजर एक्शन जो होता है ये फाउंड होता है। एमसीक्यू नंबर टू की बात करते हैं, इन द कंप्यूटर प्रिंटर्स डैश लेजर इज यूज। इस एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि जो कंप्यूटर प्रिंटर जो होते हैं उनमें जो लेजर यूज होती है वो किस तरह की लेजर यूज होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेमीकंडक्टर लेजर इज यूज्ड, सी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर थ्री की बात करते हैं, लेजर रेडिएशन इज डैश। करेक्ट आंसर इज ए, हाईली मोनोक्रोमेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लेजर रेडिएशन। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं फोर की, अंडर द पॉपुलेशन इन्वर्जन द नंबर ऑफ द एटम इन द हायर एनर्जी स्टेट इज डैश देन इन द लोअर एनर्जी स्टेट। करेक्ट आंसर इज बी, लार्जर देन द लोअर एनर्जी स्टेट। एमसीक्यू नंबर फाइव की बात करते हैं, लेजर रेडिएशन इज। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द लेजर, हाईली डायरेक्शनल, बी इज द मोनोक्रोमेटिक, सी इज द कोहेरेंट एंड द स्टिमुलेटेड। सो डी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर सिक्स की बात करते हैं, इन द कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, डिफरेंट एटम एमिटेड रेडिएशन इन एट द डिफरेंट टाइम्स, बी इज द देर इज द नो फेज रेडिएशन बिटवीन द एमिटेड फोटोन्स, सी इज द डिफरेंट एटम्स एमिटेड फोटोन्स इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। सो इन दिस वे द कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम द लेजर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं सेवन की, इन द लेजर सोर्सेज। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, ए इज द फोटोन्स एमिटेड बाय द डिफरेंट एटम आर इन द फेज मेंटेन कॉन्स्टेंट फेज रिलेशनशिप, बी इज द डिफरेंट एटम्स एमिटेड फोटोन्स इन द सेम डायरेक्शंस। सो सी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लेजर सोर्स। एमसीक्यू नंबर एट की बात करते हैं, द स्पॉन्टेनियस एमिशन। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस यूज इन द लेजर। तो एटम्स आर इनिशियली इन द एक्साइटेड स्टेट, देन बी इज द ट्रांजिशन आर द विदाउट एनी एड ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर नाइन, इन द कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज द रेशियो ऑफ द स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट टू द स्टिमुलेटेड एमिशन रेट इज नियरली। करेक्ट आंसर इज ए, 10 की पावर 10। एमसीक्यू नंबर 10 की बात करते हैं, इन द एक्साइटेड स्टेट्स द एटम विल रिमेन फॉर ए टाइम ऑफ। एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम जो होते हैं वो कितनी देर के लिए वहाँ पे स्टे करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, 10 की पावर -8 सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। एमसीक्यू नंबर 11, द हीलियम नियोन लेजर इज ए। हीलियम नियोन लेजर जो होती है ये किस तरह की लेजर होती है। करेक्ट आंसर इसका है ए, कंटिन्यूस लेजर होती है हीलियम नियोन लेजर, वेरी इंपॉर्टेंट फेमस टाइप ऑफ लेजर हीलियम नियोन लेजर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 12, द रेशियो ऑफ द हीलियम एंड नियोन गैसेस एटम्स आर। हीलियम नियोन लेजर जो होती है इसके अंदर जो हीलियम और नियोन गैसेज यूज होती हैं उनकी रेशियो क्या होती है। करेक्ट आंसर इज 10:1, बी इज द करेक्ट आंसर। हीलियम रेशियो 10, नियोन रेशियो 1, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 13, रूबी लेजर इज ए सॉलिड स्टेट। इस एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि रूबी लेजर होती है इज अ टाइप ऑफ लेजर, ये सॉलिड स्टेट होती है, इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है। करेक्ट आंसर इज ए, पल्स्ड 3-लेवल लेजर। करेक्ट आंसर इज ए। एमसीक्यू नंबर 14 की बात करते हैं, इफ द रूबी रोड कंटेन 0.05% ऑफ क्रोमियम एटम्स देन इट अपेयर्स इन डैश कलर। करेक्ट आंसर इज सी, पिंक कलर। इफ 0.05% ऑफ क्रोमियम एटम कंटेन देन पिंक कलर विल बी शो इन द टाइप ऑफ रूबी लेजर। एमसीक्यू नंबर 15 की बात करते हैं, एट रूम टेम्परेचर्स द थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटी इन द हेटरोस्ट्रक्चर लेजर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैश एटम पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। करेक्ट आंसर इज बी, 10 की पावर 3 एटम पर सेंटीमीटर स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। एमसीक्यू नंबर 16, इन द हेटरोस्ट्रक्चर स्ट्रिप ज्योमेट्री सेमीकंडक्टर लेजर द स्ट्रिप विड्थ विल वेरी फ्रॉम। करेक्ट आंसर इज ए, 5 to 30 माइक्रोमीटर, माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर -6। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 17 की, इन द बरिड हेटरोस्ट्रक्चर लेजर द एक्टिव रीजन इज कंप्लीटली सराउंडेड बाई।
इस एमसीक्यू में पूछा हुआ है जो बरीड हेटरोस्ट्रक्चर लेजर जो होती है इसके अंदर जो एक्टिव रीजन होता है वो कम्प्लीटली सराउंडेड होता है बाय द करेक्ट आंसर इज डी हायर बैंड गैप एंड द लोअर इफेक्टिव इंडेक्स मटेरियल। एमसीक्यू नंबर 18 की बात करते हैं द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एक्टिव रीजन इन द बरीड हेटरोस्ट्रक्चर लेजर इज एज स्मॉल एज करेक्ट आंसर इज सी 1 माइक्रोमीटर स्क्वायर माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर -6 सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 19 द लेजर आर यूज्ड इन करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव लेजर कहाँ पे यूज होती है मेटल कटिंग एंड होल ड्रिलिंग बी इज द वेल्डिंग सी इज द सर्फिस ट्रीटमेंट डी इज द ऑल ऑफ द अबव लेजर इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर इन द मेडिकल फील्ड। एमसीक्यूज नंबर 20 द गैस लेजर गेव डैश कोहेरेंट बीम कंपेयर टू सेमीकंडक्टर लेजर इस एमसीक्यू में पूछा हुआ है जो गैस लेजर होती है ये मोर कोहेरेंट होती है एज कम्पेयर टू द सेमीकंडक्टर लेजर सो करेक्ट आंसर इज सी मोर कोहेरेंट। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 21 लेजर स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीकेशन बाय डैश ऑफ लाइट करेक्ट आंसर इज ए स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट लेजर स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन सो ए इज द करेक्ट आंसर स्टिमुलेटेड एमिशन। एमसीक्यू नंबर 22 एग्जांपल्स फॉर डैश एमिशन लाइट आर ग्लोइंग बल्ब लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब कैंडल फ्लेम ईटीसी मतलब ये जो एग्जांपल्स हैं ये किस तरह की किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं करेक्ट आंसर इज बी स्पॉन्टेनियस एमिशन लाइट की एग्जांपल्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 23 की टू फॉर्म स्टिमुलेटेड एमिशन ए फोटोन शुड मेक कोलिजन विद एन एटम इनिशियली प्रेजेंट इन करेक्ट आंसर इज बी एक्साइटेड स्टेट हायर एनर्जी लेवल्स इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट करेक्ट आंसर इज बी एक्साइटेड स्टेट। एमसीक्यू नंबर 24 की बात करते हैं हीलियम नियोन गैस लेजर इज ए हीलियम नियोन गैस लेजर जो होती है इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है करेक्ट आंसर इज सी 4-level लेजर होती है ये सी इज द करेक्ट आंसर हीलियम नियोन गैस लेजर। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 25 की फ्लैट क्वार्ट्ज प्लेट्स आर सील्ड एट द एंड्स ऑफ हीलियम नियोन गैस लेजर टू ऑब्टेन इस एमसीक्यू में पूछा हुआ है जो हीलियम नियोन गैस लेजर जो होती है इसके जो एंड्स होते हैं लेजर के उसको हम क्वार्ट्ज प्लेट्स के साथ सील्ड करते हैं तो इससे हमें लेजर किस तरह की लेजर लाइट मिलती है करेक्ट आंसर इसका है ए पोलराइज्ड लेजर लाइट हमें ऑब्टेन होती है ए इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 26 हीलियम नियोन लेजर गेव डैश कलर्ड लेजर लाइट करेक्ट आंसर इज बी रेड कलर लाइट लेजर लाइट कॉमनली यूज्ड हीलियम नियोन गैस लेजर रेड कलर लेजर लाइट। एमसीक्यू नंबर 27 की बात करते हैं इन द रूबी लेजर क्रोमियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन वेयर एज डैश आयंस आर पैसिव करेक्ट आंसर इज सी बोथ ए एंड बी ए इज द ऑक्सीजन बी इज द एल्यूमिनियम सो सी इज द बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 28 की मोस्टली वेवलेंथ ऑफ द लेजर रेडिएशन फ्रॉम रूबी लेजर इज रूबी लेजर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द लेजर इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द लेजर तो इसकी वेवलेंथ कितनी होती है करेक्ट आंसर 6943 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर तो ए इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 29 की इन होमो स्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर लेजर द एनर्जी गैप ऑन वन साइड ऑफ द पीएन जंक्शन इज डैश ऑन द अदर साइड ऑफ द पीएन जंक्शन इन द होमो स्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर लेजर जो होती है उसका जो एनर्जी गैप होती है वन साइड ऑफ द पीएन जंक्शन इज डैश ऑन द अदर साइड ऑफ द पीएन जंक्शन करेक्ट आंसर इज बी सेम एज दैट ऑफ द बोथ साइड जो होती है वहां पे सेम होती है एनर्जी गैप। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 30 की इन द हेटरोस्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर लेजर द एनर्जी गैप ऑन द वन साइड ऑफ द पीएन जंक्शन इज डैश ऑफ द अदर साइड ऑफ द जंक्शन करेक्ट आंसर इज डिफरेंट एज दैट ऑफ बिकॉज इन दिस केस होमोस्ट्रक्चर इन दिस केस हेटरोस्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 31 एट द रूम टेम्परेचर 300 केल्विन द थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटी ऑफ द होमोस्ट्रक्चर लेजर इज अबाउट करेक्ट आंसर इज बी 5×10⁴ एटम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू बी इज द करेक्ट आंसर वेरी इंपॉर्टेंट टोटली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 32 टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग करंट टू ए लार्ज एक्सटेंट
हेट्रोस्ट्रक्चर डैश ज्योमेट्री लेजर आर यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट आंसर इज ए स्ट्रिप ज्योमेट्री लेजर आर यूज्ड। एमसीक्यू नंबर 33 की बात करते हैं, बेसिकली ए रूबी क्रिस्टल इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड डोप्ड विद 0.05% टू डैश परसेंट ऑफ द क्रोमियम एटम्स, करेक्ट आंसर इज 0.5% ऑफ क्रोमियम एटम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डी इज द करेक्ट आंसर। रूबी लेजर वेरी इंपॉर्टेंट लेजर, फर्स्ट टाइप ऑफ लेजर। एमसीक्यू नंबर 34 की बात करते हैं, लेसिंग एक्शन कैन बी ऑब्टेन विद एक्सट्रीमली स्मॉल करंट्स बाय यूजिंग डैश स्ट्रक्चर लेजर, करेक्ट आंसर इज डी बरिड हेट्रोस्ट्रक्चर लेजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 34 एमसीक्यूज, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 35, द थ्रेशोल्ड करंट इन द बरिड हेट्रोस्ट्रक्चर इज एज लो एज डैश, करेक्ट आंसर इज 15 मिली एम्पीयर करंट, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अबाउट लेजर्स। एमसीक्यू नंबर 36 की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ नैरो एंगुलर स्प्रेड लेजर बीम कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डैश एंड मून और अदर सैटेलाइट्स, करेक्ट आंसर इज ए अर्थ, अर्थ एंड मून आर द अदर सैटेलाइट्स, बिकॉज लेजर बीम आर वेरी नैरो बीम इट इज यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 37, लेजर्स आर यूज्ड इन डैश कंपोनेंट ऑफ द आईसीज, आईसीज मीन इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, तो लेजर्स आर यूज्ड इन द रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ द आईसीज। ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज आपके पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरर के टेस्ट में, आप किसी भी तरह के फिजिक्स के कंप्लीटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें एमसीक्यूज आपकी काफी हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़।